यदि आपकी जन्म पत्रिका अनुसार विंशोत्तरी दशा में सूर्य की महादशा चल रही है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर्वप्रथम महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं दशा के लिए, न दिशेयुर् ग्रहा सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभा शुभफलनृणाम आत्मभावानुरूपतः आत्मसंबंधिनो ये च एवा निजधर्मिणः तेषां अन्तर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम् इतरेषां दशानाथ विरुद्ध फलदायिनां तत्तत्फलानुगुणेन जलान्वयानि सूरिभिः इत्यादि जो भी नियम महर्षि पाराशर जी ने दशा के लिए बताए हैं, हम आपको प्रायः संपूर्ण सूर्य की महादशा कैसा फल दे करके जाएगी, सूर्य की क्या स्थिति है जन्म पत्रिका में, उसके अनुसार वर्णन करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको वो कर्तव्य कर ही देना। अब हम बताते हैं कि सूर्य यदि जन्म पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तो ऐसे सूर्य की दशा बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाली होगी, राजयोग की प्राप्ति होगी, धन धान्य आएगा, समृद्धि उत्पन्न होगी, यानी कि बड़ा विशिष्ट फल है सूर्य की महादशा का। लेकिन अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, केंद्र त्रिकोण में सूर्य नीच राशि तुला राशि के नहीं हो, तुला राशि में भी हो तो मेष के नवांश में स्थित हो तब श्रेष्ठ फल है, या फिर तुला ही नवांश में स्थित हो तब भी श्रेष्ठ फल देंगे, वर्गोत्तमी हो जाएंगे उस अवस्था में। कहने का तात्पर्य है कि केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र का मतलब होता एक प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम तथा दशम भाव, त्रिकोण में होते हैं पंचम व नवम। इन भावों में यदि सूर्य स्थित हो तब श्रेष्ठ फल कहना चाहिए। मेष लग्न हो और लाभ भाव में भी स्थित हो सूर्य तब भी श्रेष्ठ फल। लाभ भाव में जो भी ग्रह स्थित रहता है उसकी दशा सर्वथा ही शुभ ही जाती है, क्योंकि लाभे सर्व ग्रह प्रशस्ता, लाभस्ताने ग्रह सर्वे बहु लाभ फल प्रदा गजाश्वपति सौम्यादि क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान। यह नियम ही बता देता है कि लाभ भाव कैसा भाव, पर लाभेश के लिए नहीं है यह स्थिति, उस भाव संबंधित प्रशंसा है ये। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य नीच के ना होकर के केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो सूर्य की दशा बड़ी श्रेष्ठ फल फल देने वाली होगी। अब सूर्य की महादशा में किन किन ग्रहों की अंतर दशा आ रही है उनका वीडियो और बनने वाले होंगे, तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि सूर्य की महादशा में 3-4 ऐसी अंतर दशा आती है, भले ही सूर्य सही हो उनकी दशा में किंचित अशुभता प्रदान करते हैं। अब उसके लिए आपको उस वीडियो का इंतजार अवश्य करना होगा, क्योंकि आत्म संबंधिनो ये च येवा निज सधर्मिण, जो आत्म संबंधित नहीं रह पाएंगे ग्रह, जो निज धर्मिता के अनुरूप नहीं रहेंगे, तो उनकी दशा में तो फिर उन्हीं के अनुरूप फल मिलने वाले होंगे, दशानाथ का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तत्तद भुक्त अनुसारेण दिशेयुर् योगजं फलम, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे। अगर स्वयं सूर्य ही षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव में स्थित हो या तो बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं होगा, अष्टमेश भी क्यों न हो, षष्ठेश क्यों न हो, द्वादशेश क्यों न हो, तब भी श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं होगा। या यूं कहें कि केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए 6-8 द्वादश भाव का स्वामी होकर के, मुझे पता है कि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत, लेकिन अष्टमेश होने के नाते अष्टम भाव जनित फल सूर्य तो दे देता है, सभी ग्रह देते हैं। यदि सूर्य मारक हो द्वितीय भाव का स्वामी बन जाए तो मारक फल देगा,
अष्टम का स्वामी बनता है तो अष्टम जनित फल देगा, षष्ठ के बन जाते हैं तो षष्ठ जनित फल देगा, द्वादश के बन जाते हैं तब भी फल ऐसा ही प्रदान करता है। मुझे पता है द्वितीय व द्वादश भाव के स्वामी अगर सूर्य बनते हैं तो साचरिता के अनुरूप फल देंगे, लेकिन उन भाव से संबंधित फल भी प्रदान करेंगे। यह नहीं कह सकते पूर्णतः कि द्वादश को छोड़ दो साचरिता के अनुरूप ही फल देंगे। लग्नाद वे द्वितीय सौ परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, वहां का फल अवश्य देंगे। अगर यहाँ के 6, 8, 12 के स्वामी बनते हैं सूर्य, तब इनके फलों में क्षीणता उत्पन्न होगी, राज सुख के से वंचित रह सकते हैं, परिवार में पिताजी के स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। सूर्य की स्थिति अगर मार्केश हो तब भी चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, कर्क लग्न हो या कुंभ लग्न हो तब सूर्य मार्केश बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की, जैसे कर्क लग्न हो तो सूर्य की महादशा में शनि का अंतर, कुंभ लग्न हो तो गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर, तो इन स्थितियों के सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर या सूर्य की महादशा में शनि का अंतर, इन दोनों में चिंताजनक हो जाता है। फिर इसके परिहार के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि पाराशर जी के ही वचन है, तद्दोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरेत, यानी इसकी दोष की परिहार के लिए मृत्युंजय के जप हो। फिर कहते हैं सूर्य प्रीति करीम शांतिम, यानी कि सूर्य की आराधना हो, सूर्य के जप हो, सूर्य सूक्तों के पाठ करे, सूर्य को अर्घ्य दे जातक। फिर कहते हैं सूर्य प्रीति करीम शांतिम कुर्याद आरोग्य सिद्धये, तब ही जातक के लिए आरोग्य की प्राप्ति होगी। यानी कि बीमारी जो होती है मार्केश, बीमार जो करता है, आयु की क्षीणता जो करता है, उनके फलों में क्षीणता उत्पन्न होगी। धन्यवाद मित्रों, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।